उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हवानों की दरिंदगी का शिकार हुई 22 वर्षीय युवती ने 15 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवती की मौत की खबर से हाथरस जिले के साथ साथ पूरे देश में मातम की लहर दौड़ पड़ी है। देश की जनता में भारी गुस्सा नजर आया। यही गुस्सा इंदौर के राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज के लोगों में दिखा। वाल्मीकि समाज में इंदौर रीगल चौराहा पर कैंडल मार्च और नारेबाजी कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की मांग की। इस कैंडल मार्च में महिलाएं, युवतियां एवं छोटी बच्चे भी शामिल थी। कैंडल मार्च में युवतियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश रेप की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दलितों पर भी अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और जो हाथरस में हुआ वह अत्यधिक निंदनीय है, और हिंदू मान्यताओं में तो जानवरों को भी सूरज ढलने के बाद नहीं जलाया जाता, लेकिन हाथरस की पुलिस ने रात के अंधेरे में पीड़िता का शव जला दिया। इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है, इसलिए मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार से न्याय की मांग करते हैं ताकि अन्य लड़कियां सुरक्षित महसूस कर सके। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।